हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। पहाड़ी रॉक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सभी को विश्व महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नारी शक्ति और नारी के सम्मान में पूरे विश्व में प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाए जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका की तरफ से पहली बार 1909 में की गई थी। जब भी देश को बचाने की बात आई है तो नारी शक्ति ने भी अपना दमखम दिखाया है। पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मनों के छक्के छुड़ाए हैं और देश की आन बान और शान को बचाने के लिए अपनी जान गंवाई है। इसका जीता जाता उदाहरण है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तीलू रौतेली। दोस्तों, मैं आज आपको भारतीय उन नारियों से परिचित कराता हूँ जिन्होंने देश के लिए एक महान व्यक्तित्व के रूप में अपनी पहचान छोड़ी है। पुनीता अरोड़ा, भारतीय नौसेना की प्रथम लेफ्टिनेंट जनरल, जिनका जन्म 1932 में पाकिस्तान के लाहौर में हुआ था। 2004 में पुनीता अरोड़ा भारतीय नौसेना में लेफ्टिनेंट जनरल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। इनकी सेवा के दौरान सेवा पदक से भी सम्मानित किया गया। नौसेना में 36 वर्षों के कार्यकाल के दौरान इनको कुल 15 पदकों सम्मानित किया गया। इंडियन एयर फोर्स की प्रथम एयर मार्शल पद्मावती बंदोपाध्याय। पद्मावती जी ने 1968 में एयर फोर्स ज्वाइन किया था। 34 साल की निस्वार्थ सेवा भाव और देश प्रेम के चलते 2002 में एयर वाइस मार्शल के पद पर पहुंचने वाली प्रथम वायुसेना महिला बनी। स्क्वाड ऑफ ऑनर हासिल करने वाले प्रथम कैडेट दिव्या अजीत कुमार। दिव्या मात्र 21 साल की उम्र में सेना की स्क्वाड ऑफ ऑनर हासिल करने वाली प्रथम महिला कैडेट बनी थी। इन्होंने अपनी पढ़ाई में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। 26 जनवरी 2016 को अपनी 154 महिला अधिकारियों के पद का नेतृत्व करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। देश की 3 पहली फाइटर प्लेन पायलट, बेगूसराय की भावना कंठ, MP के रेवा की अवनी और वडोदरा के सुना सिंह, वो 3 महिलाएं हैं जो एयरफोर्स में पहली बार फाइटर प्लेन पायलट के लिए कमीशन हुई है। गुंजन सक्सेना, जो कि कारगिल गर्ल के रूप में जानी जाती हैं, वहाँ और विजय में सैनिकों ने दुश्मन के छक्के छुड़ाए, वहीं गुंजन सक्सेना ने अपना रोल बखूबी निभाते हुए भारतीय सेना के घायल सिपाहियों को सैन्य अस्पताल तक पहुँचाने में अपना शौर्य और पराक्रम दिखाया। इस पराक्रम और साहस के लिए उन्हें शौर्य वीर अवार्ड से सम्मानित किया गया। लेफ्टिनेंट निकिता ढोंडियाल, अमर शहीद मेजर विभूति ढोंडियाल, जो कि 8 फरवरी 2019 में पुलवामा में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। उनकी पत्नी निकिता ढोंडियाल ने शहीद पति के पद चिन्हों पर चलकर देश सेवा करने का दृढ़ निश्चय लिया और लेफ्टिनेंट बन के भारतीय सेना को ज्वाइन किया। अंत में दोस्तों, में मैं आपको ऐसे ही बहुत सारी महिलाएं हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं यहां पे, जो देश के लिए एक नारी शक्ति के रूप में आए हैं। अथवा मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमेशा नारी का सम्मान करें, उनको हर जगह पर दर्जा दें, प्राथमिकता दें। इसी के साथ अगर हमारा ये नारी शक्ति को सम्मान देने का तरीका ठीक लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर नारी शक्ति जिंदाबाद कमेंट्स में लिखें, और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।